وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا. بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. صدق اللہ العظیم. میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ معزز وزیر اعظم پاکستان سے ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انوار الحق کاکڑ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتدیات وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد
और बिला रगबत व अनाद कानून इंसाफ करूंगा, कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा, किसी ऐसे मामले की न इत्तला दूंगा, न इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज जबकि बहैसियत वजीर आजम अपने फराइज की कमा हक कहूँ अंजाम दही के लिए ऐसा करना जरूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। ऐवान सदर में निगरान वजीर आजम की तकरीब हलफ बरदारी है। अनवारुल हक काकर ने निगरान वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकर से निगरान वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया है। इस तकरीब में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ शरीक हैं। इसके साथ साथ सुबकदोश होने वाले वज़ीरे आजम भी इस तकरीब में शरीक हैं। अनवारुल हक काकर मुल्क के 8वें वजीर आजम बन गए हैं। अनवारुल हक काकर का ताल्लुक सूबा बलोचिस्तान से है। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद हैं और अनवारुल हक काकर से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया है। अनवारुल हक काकर 8वें केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, और अनवारुल हक काकर ने सेनेट में भी उन्होंने सर्व किया। अभी सेनेटर थे, 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो फाउंडिंग मेम्बर्स में से हैं। और जब उनका नाम फाइनल किया ऑपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ ने, तो उन्होंने उसके बाद अपनी पार्टी रुकनियत से भी उन्होंने इस्तीफा दिया और सेनेट की सीट भी उन्होंने छोड़ दी। शहबाज शरीफ की हुकूमत, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत 12 तक की तारीख थी और उससे पहले उन्होंने अपनी हुकूमत खत्म की और उसके बाद निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत का अमल शुरू हुआ। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से वजीर आजम साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत की, कंसल्टेशन हुई, कुछ नाम उनकी तरफ से दिए गए, कुछ ऑपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए। और इसमें ऑपोजिशन लीडर ने सबसे पहले यह ऐलान किया कि अनवारुल हक काकड़ का नाम फाइनल कर लिया गया है। और अनवारुल हक काकड़ के बारे में अगर आपको बताएं तो यह सेनेट में 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए, इससे पहले वो दीगर जमातों में रह चुके हैं। 2002 से लेकर उनका पोलिटिकल करियर है, लेकिन जो उन्होंने कमेटीज मेंबर भी रहे, कुछ कमेटीज के चेयरपर्सन पर्सन रहे, वो ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी कमेटी थी उसके भी, और ये अब 8वें केयर टेकर वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ मुंतखब हो गए। दो रोज कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वजीर आजम के लिए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस समरी पर दस्तखत कर दिए थे। अनवारुल हक काकड़ ने बतौर निगरान वजीर आजम गैर जानबदार रहने के लिए सेनेट की नशस्त से इस्तीफा दे दिया है, जो चेयरमैन सेनेट ने मंजूर भी कर लिया है। ऐवान सदर में निगरान वजीर आजम की तकरीब हलफ बरदारी हुई है। अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ से निगरान वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाया है। इस तकरीब में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और सुबकदोश होने वाले वज़ीरे आजम भी मौजूद हैं। और अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें वजीर आजम बन गए हैं। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक सूबा बलोचिस्तान से है। अनवारुल हक काकड़ अब कैबिनेट क्या अपनी मुंतखब करते हैं और मेंबर्स कौन होते हैं, ये अब मरहला शुरू होगा। अनवारुल हक काकड़ से मुतालिक कैसे उनका करियर, उनका आगाज हुआ और उसके बाद उनकी तालीम, उन्होंने इससे पहले कहाँ हासिल की और क्या क्या अचीवमेंट रही हैं, ये जरा देखिए, एक पैकेज तैयार किया है। निगरान वजीर आजम सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 1971 में सूबा बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग किला सैफुल्ला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल क्वेटा से हासिल की। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में कैडेट कॉलेज कोहाड़ में दाखिला मिला, ताहम वालिद के इंतकाल के बायस वापस क्वेटा आ गए। अनवारुल हक काकड़ ने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी क्वेटा से बैचलर्स और मास्टर की डिग्री हासिल की। अमली जिंदगी का आगाज अपने आबाई स्कूल से पढ़ाने से किया, जिसके बाद मुख्तलिफ कारोबार भी किए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में